हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ मटन चाप। तो चलिए मटन चाप कैसे बनता है स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मटन का जो है वो सारा चाप पीस लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ और इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। देखिए यहाँ पे मैं खूब सारा डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट और इसमें जाएगा नमक और अपने स्वाद के अनुसार आप अदरक भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ ऐड नहीं की हूँ। और मैं एक बड़ा साइज़ का प्याज दी हूँ और सरसों का तेल मैं ऐड की हूँ लगभग एक कप और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसे कुकर को अब चढ़ाएंगे गैस पे और इसमें लगभग 2 से 3 सीटी ही देंगे और इसमें जो है ना पानी नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ ये जो है प्याज उसमें पानी ऑलरेडी छोड़ेगा और जो मटन का जो वाटर था वो भी ये छोड़ चुका है। तो देखिए अभी से अच्छे से हम ड्राई करेंगे। ड्राई होने में लगभग आपको लग जाएगा 10 से 15 मिनट और ये स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुका है। तो अब मैरिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ काजू और मैं मिर्च को पेस्ट बना ली थी और यहाँ पे है 1/2 kg दही, ठीक है, और ये है पेस्ट, हरा रोट, बेसन, एक लाल मिर्च, ये जीरा मिर्च, धनिया, ये कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और है कसूरी मेथी, गरम मसाला, ठीक है। अब ये सब इसमें जाएगा, ये दही जाएगा, ये पेस्ट काजू का और ये सारे जो हमने इंग्रेडिएंट डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कलर क्या लाजवाब कलर आया है और इसे ढक के आप अगर मॉर्निंग बनाना चाहते हैं तो ये प्रिपरेशन नाइट में ही कर दें, अगर आप शाम में बनाना चाहते हैं तो मॉर्निंग कर दें। और मैं इसे फ्रिज में रख दी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग का ये स्ट्रक्चर। और मैं इस साइड कढ़ाई में ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ फुल फ्लेम में और अच्छे से इसे हीट करेंगे और आप मनचाहा जिस तरह भी आप फ्राई करके खाना चाहें, मीडियम या आप बहुत क्रंची चाहते हैं तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और ये देखिए कलर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनता है। हमने 2-3 बार इसे अच्छे से फ्राई किया और ये जस्ट निकल रहा था और गायब हो जा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये है फाइनल लुक। आप चाहें तो इसमें आप बटर भी डाल सकते हैं और इसमें प्याज और आप नींबू के साथ खाइए स्टार्टर टाइप में, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो ये बकरीद की रेसिपी है। मैं ये रेसिपी जो है थोड़ा लेट से पोस्ट कर पा रही हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।